अध्यक्ष महोदय पैंडेमिक के बाद बनी परिस्थितियों के बाद हम आत्मनिर्भर भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी एक फोर्स मल्टीप्लायर होगा भारत में आज सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे विमन एंटरप्राइज और लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए भारत में बड़े स्तर पर प्रयास चल रहे हैं आज दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम्स का सबसे ज्यादा लाभ भारत की महिलाएं ही उठा रही हैं भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां महिलाओं को 26 वीक्स की पेड मैटर्निटी लीव दी जा रही है भारत में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए भी कानूनी सुधार दिए गए हैं अध्यक्ष महोदय भारत विश्व से सीखते हुए विश्व को अपने अनुभव बांटते हुए आगे बढ़ना चाहता है मुझे विश्वास है कि अपने पचहत्तरवें वर्ष में संयुक्त राष्ट्र और सदस्य सभी देश इस महान संस्था की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए और प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे संयुक्त राष्ट्र में संतुलन और संयुक्त राष्ट्र का सशक्तिकरण विश्व कल्याण के लिए उतना ही अनिवार्य है